हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 10th क्लास साइंस के लेसन 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो लेसन के लास्ट में आते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको लेसन के बीच में आने वाले क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो उनके लिए अलग से वीडियोज़ हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी अलग से वीडियोज़ हैं, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। लेंस बनाने के लिए किसका यूज किया जा सकता है जिसके अंदर रिफ्रैक्शन हो। तो नीचे जो ऑप्शन हमें गिवन है उनमें से हमें ये बताना है कि किसके अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होता है। वाटर के अंदर रिफ्रैक्शन होता है, ग्लास के अंदर भी रिफ्रैक्शन होता है, प्लास्टिक जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है उसके अंदर भी रिफ्रैक्शन होता है, क्ले के अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो हम क्ले का यूज लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते। सेकेंड क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाई ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें ये बताना है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें कि हमारी इमेज वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर आए। हमें पता है कि कनकेव मिरर जो बाकी की इमेज फॉर्म करता है वो सभी क्या होती है, इन्वर्टेड होती हैं, रियल होती हैं। सिर्फ एक ही पोजीशन के ऊपर हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी। जब हम पी और एफ के बीच में किसी इमेज को रखेंगे, मैं आपको बनाकर भी दिखा देती हूँ, इसके बीच में जब कोई इमेज हम रखेंगे तो ये जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी वो फोकस से होकर पास हो जाएगी और यहाँ पे वो जितने डिग्री के एंगल पे आएगी उतने डिग्री के एंगल पे चली जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए आगे जाकर एक दूसरे से दूर जा रही है तो इसका मतलब भी पीछे कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। यहाँ पे ये हमारी इमेज बनेगी। अब देखिए ये कैसी बन रही है, लार्जर बन रही है, वर्चुअल भी है, रे ऑफ लाइट तो इस डायरेक्शन में चली गई। हमने क्या किया, उसको डॉटेड से मिलाया है। ठीक है, ये रियल में नहीं मिल रही है तो हमारी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, लार्जर भी बन रही है और इरेक्ट भी बन रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जब पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारी इमेज लार्जर भी बनेगी, वर्चुअल भी बनेगी और इरेक्ट भी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस में सिर्फ दो ही पोजीशन होती हैं, एक तो इन्फिनिटी और दूसरी इन्फिनिटी से लेकर आप पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख लीजिए, सेम बनेगी और वो हमारी कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। अगर आपने इमेजेस वाली जो वीडियो है वो अच्छे से देख रखी है तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर नहीं देखिए तो आप पहले उनको देख लीजिए ताकि सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे इसने कह रखा है कि रियल इमेज, तो दो ही सिचुएशन हमारे पास है, एक तो इन्फिनिटी और दूसरा हमारे पास इन्फिनिटी से लेकर पोल तक। तो इन्फिनिटी से लेकर पोल तक के बीच की जो हमारी इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। तो इसका मतलब बच गया क्या, इन्फिनिटी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, इस स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। इसने क्या रखा कि एक हमारे पास मिरर है और एक लेंस है और दोनों की फोकल लेंथ हमारे पास -15 है। हमें ये बताना है कि वो कनकेव कन्वेक्स किस तरह के हैं। देखिए कनकेव जो हमारे पास मिरर हो चाहे लेंस हो कुछ भी हो उसकी फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होती है। मैं क्यों होती है उसका भी आपको रीजन बताऊंगी, याद रखने का तरीका भी बताऊंगी। कन्वेक्स हमारे पास चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो उसकी फोकल लेंथ हमेशा प्लस में होती है। अब देखिए ये हमारे पास क्या होता है, कनकेव मिरर होता है, तो इस डायरेक्शन में हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सारी प्लस की होती है, इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो माइनस की होती है। तो इसका सर्कल इस डायरेक्शन में कंप्लीट हो रहा है तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी और इस डायरेक्शन की डिस्टेंस माइनस में होती है। तो कनकेव हमारे पास चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की फोकल लेंथ किसकी आएंगी, माइनस की आएंगी। इसका ओपोजिट कन्वेक्स के साथ होता है, कन्वेक्स के शेप इस तरीके से होती है, तो इसका मतलब इसका जो सर्कल कंप्लीट होगा वो इस डायरेक्शन में कंप्लीट होगा, इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ है वो किसकी आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी। ठीक है, तो कन्वेक्स चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो उसकी फोकल लेंथ किसकी आएगी, प्लस की आएगी। अब इसने कह रखा है कि -15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है दोनों की ही, तो इसलिए हमारे पास जो लेंस और जो मिरर वो बोथ क्या हो जाएंगे, कनकेव हो जाएंगे क्योंकि दोनों की ही माइनस में आएगी फोकल लेंथ। ठीक है, तो बोथ कनकेव एंड बोथ मिरर एंड लेंस आर कनकेव, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। अब देखिए इसने क्या रखा है कि आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, आप चाहे कहीं पे भी खड़े हो उसे
मिरर के सामने। अब देखिए, जो हमारे पास प्लेन मिरर होता है उसके सामने हमेशा इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, सेम साइज की बनती है, तो प्लेन तो हमारा आंसर होगा ही। अब हम देखते हैं कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव के अंदर हमने पढ़ा था कि जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो सारी इन्वर्टेड बनेंगी, सिर्फ और सिर्फ एफ और पी के बीच में इमेज सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, बाकी सारी पोजिशन हमेशा क्या बनेंगी, इन्वर्टेड बनेंगी। और कन्वेक्स के अंदर क्या पढ़ा था कि इन्फिनिटी से लेकर पोल तक कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, हमारी इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी, स्मॉल बनेगी और वर्चुअल बनेगी। तो हमारे यहाँ दो आंसर होंगे, प्लेन और कन्वेक्स। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें प्लेन और कन्वेक्स दोनों का ही ऑप्शन गिवन है। नेक्स्ट देखिए, सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी। अब हमें फोर ऑप्शंस गिवन है, उनमें से देखना है। ये चारों के चारों बिल्कुल सेम सेम लग रहे हैं, बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको याद रखने का बिल्कुल इजी सा तरीका बताती हूँ। देखिए, इसने कनकेव और कन्वेक्स लेंस ऑप्शन में दे रखा है, तो पहले हम कनकेव को देख लेते हैं। कनकेव के अंदर जितनी भी इमेजेस बनती हैं इन्फिनिटी से लेकर पोल तक, सारी की सारी स्मॉल बनती है, छोटी बनती है। अब पहले ही डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स छोटे होते हैं, हम उन्हें और छोटा करके तो पढ़ेंगे नहीं, इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया, कन्वेक्स। अब कन्वेक्स के अंदर भी इसने दो दे रखे हैं, 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस के अंदर जब कोई इमेज F और P के बीच में, मतलब 50 सेंटीमीटर तक हम क्या करेंगे, जब उसको लेके आएंगे तो हमारे जो वर्ड्स हमें दिखाई देंगे वो इरेक्ट दिखाई देंगे, बड़े दिखाई देंगे। अब आपने अगर कभी ध्यान किया हो, जब हम किसी लेंस की हेल्प से वर्ड्स को देखते हैं तो हम उसके बिल्कुल नज़दीक लेकर जाते हैं। अब हम 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर तो उसको रखेंगे नहीं, हम उसको थोड़ा सा नज़दीक लेकर आएंगे। 5 सेंटीमीटर तक हम इजीली उसको नज़दीक लाकर देख सकते हैं कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो आसानी से हमें बड़े दिखाई दें। 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसका यूज़ नहीं किया जाता। हम अगर डिक्शनरी के वर्ड पढ़ेंगे तो हम 5 सेंटीमीटर जिसकी फोकल लेंथ होगी उसको देखेंगे, क्योंकि जब हम उन वर्ड्स को पढ़ेंगे तो हम उस लेंस को बिल्कुल उसके नज़दीक लेकर देखेंगे। ये एक लेंस होता है जो स्टिक से जुड़ा होता है, मैक्सिमम बच्चों ने इसे देख के रखा होगा। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। इसने कह रखा है कि कनकेव मिरर के आगे हमें कोई इमेज बनानी है, कोई ऑब्जेक्ट रख के, और वो इरेक्ट होने चाहिए। हमें पता है कनकेव मिरर के आगे जितनी भी इमेज बनती है सारी इन्वर्टेड बनती है, सीधी नहीं बनती है, सिर्फ एक पोजीशन के ऊपर, जब एफ और पी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होता है तभी इमेज क्या बनेगी, सीधी बनेगी। अब देखिए, मैं आपको इसका डायग्राम भी बनाकर दिखा देती हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर है। इसके आगे यहाँ हमारा F पॉइंट और ये हमारा P पॉइंट हो जाएगा, बाकी हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे हमारी इमेज इन्वर्टेड ही बनेगी। अगर इसके बीच में कहीं पे हम इमेज को रखते हैं तो इस तरीके से ये फोकस से पास हो जाएगा, और ये यहाँ पे अभी अभी जो हमने डायग्राम किया था बिल्कुल सेम है। ये इमेज कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। अब देखिए, ये इरेक्ट भी बन रही है, लार्ज भी बन रही है, और एक तरह से लगा लीजिए एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ी है ये। तो इसने हमें स्पेशली क्या बोल रखा है कि हमारी जो इमेज है वो कैसी होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए। इरेक्ट है, बाकी जितनी भी पोजीशंस होती हैं सभी के ऊपर हमारी इमेज इन्वर्टेड बनेगी, सिर्फ यहीं पे इरेक्ट बनेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब इसने इसकी फोकल लेंथ यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर कह रखा है, तो हम कहाँ पर रखेंगे उस ऑब्जेक्ट को, 0 से लेकर 15 तक कहीं पर भी रखेंगे तो हमारी इमेज कैसे बन जाएगी, इरेक्ट बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट के अंदर इस तरह से होना चाहिए कि जितनी रे ऑफ लाइट ज़्यादा दूर तक जाएगी उतना ही हमें ज़्यादा साफ दिखाई देगा। अब रे ऑफ लाइट ज़्यादा दूर तक कब जाएगी, जब वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। आपने कभी ध्यान दिया हो, जो हमारी टॉर्च होती है वो दो तरह की होती है, एक तो रे ऑफ लाइट डायरेक्ट जाएगी उसमें पैरेलल जाएगी वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, एक होती है जो फैल जाती है जिसकी रे ऑफ लाइट, तो जिसकी रे ऑफ लाइट फैल जाएगी वो कम डिस्टेंस कवर करेगी, और जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएंगी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगी। तो इसमें क्या होता है, इसको इस तरीके से सेट कर दिया जाता है
जो हमारे पास मिरर होता है एक तरह से, उससे रिफ्लेक्शन के बाद वो रे ऑफ लाइट क्या हो जाती है, पैरेललीज़ की कहाँ फोकस के ऊपर सेट किया जाता है, ताकि रिफ्लेक्शन के बाद वो रे ऑफ लाइट क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए और वो रे ऑफ लाइट ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सके, ज़्यादा दूरी तक चले जाए और हमें ज़्यादा दूरी का ज़्यादा डिस्टेंस का साफ दिखाई दे सके। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, साइड या फिर रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल, इसके अंदर कन्वेक्स का यूज़ किया जाता है। मैं इसका आपको रीज़न बता दूँ। देखिए जब हम अगर प्लेन मिरर ले लेते हैं तो ये उतनी ही डिस्टेंस के की वो बनाएगा, उतनी ही इमेज बनाएगा जो इसके बिल्कुल सामने होगी, एग्जैक्ट सामने होगी। ऐसे ही अगर हम कनकेव का देखें तो इसके अंदर क्या होता है, सारी इमेजेस इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी होती हैं। अब अगर इमेज इन्वर्ट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें वो गाड़ियाँ भी उल्टी दिखाई देंगी और हम आसानी से ड्राइव नहीं कर सकते। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, कन्वेक्स, इसका एरिया बहुत ही ज़्यादा होता है, ये काफ़ी एरिया कवर कर लेता है, ये इस तरीके से इसके आसपास जो भी एरिया होता है उस सबकी इमेज बनाएगा और बिल्कुल हमेशा इरेक्ट बनाएगा, सीधी बनाएगा और इमेज काफ़ी छोटी भी, इतनी छोटी नहीं होगी कि हमें दिखाई ना दे, इमेज इतनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा एरिया को वो कवर करे और इजीली हमें दिखा दे। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कन्वेक्स का यूज करते हैं, ना ही हम सिंपल का करते हैं और ना ही कनकेव का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस के अंदर क्या होता है, हम क्या कर देते हैं, हमारे पास एक इस तरह से बॉक्स होता है, उसके ऊपर एक मिरर होता है, इसके अंदर खाना पकाने के लिए क्या किया जाता है, सोलर जो हमारे पास लाइट होती है, सोलर जो एनर्जी होती है उसका यूज किया जाता है। तो अब इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा रे ऑफ लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से कनकेव मिरर को रखेंगे। अब कनकेव मिरर की क्या मेन पॉइंट होता है, वो क्या करता है, जो भी रे ऑफ लाइट उसके पर आती है उन सबको एक जगह पे फोकस कर देता है, एक जगह पे कन्वर्स कर देता है। कनकेव तो क्या करेगा, उन रे ऑफ लाइट को बाहर की तरफ फैला देगा, चारों तरफ डाइवर्स कर देगा, लेकिन ये क्या कर देता है, एक पॉइंट पर बीच में फोकस कर देता है। इसलिए जितनी भी रे ऑफ लाइट आएंगी उन सबको ये क्या कर देगा, जो भी हम खाना पका रहे हैं उसके ऊपर फोकस कर देगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा रे ऑफ लाइट आ रही है तो रे ऑफ लाइट के साथ में सोलर एनर्जी भी तो आ रही है, हीट एनर्जी भी तो है, उस हीट एनर्जी से ये खाना जल्दी पक जाएगा, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, कनकेव का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन हाफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है कि हमारे पास कोई कन्वेक्स लेंस है, हम इसको हाफ कवर करेंगे तो ये दो तरीके से कवर हो जाएगा, मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ। एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अपर हाफ हो जाएगा इस तरीके से, आप नीचे से भी इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इसको ऊपर से भी कर सकते हो। एक हमारे पास ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये दोनों तरीके से ही हाफ कवर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए वो इस तरह से कवर है तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके जो रे ऑफ लाइट, ये हमारे पास क्या होता है फोकस, जो रे ऑफ लाइट यहाँ फोकस से होकर आएंगी वो इस तरीके से उनका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, बाकी जो रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है उन सबका भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये बिल्कुल एज इट इज सीधी जाती है, इसके अंदर रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कंप्लीट बनेगी, जैसे इसको कवर किए हुए बिना बन रही थी बिल्कुल वैसे ही बनेगी, उसमें कहीं पे भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितनी भी रे ऑफ लाइट आएंगी इस लेंस के ऊपर उन सबका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि वो आगे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो एक तरह से क्या है, ब्लैक कवर है, तो इसके अंदर कोई भी इमेज नहीं बनेगी, यहाँ पे इमेज कंप्लीट बनेगी, कोई फर्क नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे इमेज बनेगी नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, टेंथ क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं जो भी हमारे पास गिवन है। अब देखिए इसने कह रखा है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, एच हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में होता है तो इसलिए किसका हो जाएगा, प्लस का ही हो जाएगा। आगे इसने कह रखा है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर, तो वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, यू होती है, तो यू कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट हमेशा इस डायरेक्शन में रखा जाता है तो इसलिए इस डायरेक्शन की जो हमारे पास मेजरमेंट होती है वो किसके अंदर होती है, माइनस के अंदर, तो यू हमारे पास क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसने नेक्स्ट क्या कह रखा है कि उसकी जो फोकल लेंथ है एफ इज इक्वल टू हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर। उसने ये नहीं बताया कि वो कन्वेक्स है या कनकेव है, वो हमें खुद ही देखना है। इसने कह रखा है कन्वर्जिंग। अब यहाँ दो वर्ड है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज कर देता है। डाइवर्जिंग क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है, बाहर की तरफ फैला देता है। अब हमारे पास, मैं दोनों ही आपको बता देती हूँ, जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, रे ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन के बाद एक जगह पे फोकस कर देता है, ठीक है। और जो हमारे पास कनकेव लेंस होता है वो रे ऑफ लाइट को बाहर की तरफ फैला देता है, बाहर की तरफ डाइवर्स कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइवर्सिंग। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, कन्वेक्स की। तो हमारे पास अब कन्वेक्स की मैंने बताया था आपको फोकल लेंथ किसकी होती है, प्लस की। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, +10 आ जाएगा। ये क्यों, ये कन्वर्ज क्यों करता है, ये डाइवर्ज क्यों करता है, वो मैंने वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, आप उसको देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास यू है, एफ है, तो हम लेंस फॉर्मूला से वी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। जो हमें गिवन है हम उसको इसमें के अंदर वैल्यू रख देंगे उसकी, जो हमारे पास नहीं है उसको एज इट इज रख लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए 1/v, v हमें निकालना है तो 1/v को एज इट इज रख लीजिए, -1/u। यू हमारे पास क्या हो जाएगा, -25। ये माइनस फॉर्मूला के अंदर है, ये माइनस हमारी वैल्यू के उससे आ जाएगा। आगे देखिए f हमारे पास कितना है, +10। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये इस डायरेक्शन में आएगा तो इसका चेंज हो जाएगा सिंबल, ये प्लस की जगह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -1/25, ठीक है। आगे जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 50 आ जाएगा, 10 5 50, हमारे पास यहाँ जाएगा 5 5 5, यहाँ पे -25, 50 को जब 25 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 2, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/50। ये हमारे पास क्या आया है, 1/v की, अभी हमारे पास v नहीं आया है, 1/v आया है, 1/v इज इक्वल टू 3/50। जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v हमारे पास क्या आ जाएगा, 50/3। तो v हमारे पास क्या आ गया, 50/3, ठीक है, प्लस का 50/3 आया। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे इसने कह रखा है कि आप उसका नेचर और साइज भी बताइए। नेचर और साइज का हमें पता किससे चलता है, मैग्निफिकेशन से। m हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए एम के एच और एच डैश से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एच डैश नहीं है तो हम किससे निकालेंगे, v/u से। u हमारे पास कितनी है, 50/3। अब ये u क्या हो जाएगी, -25। जब हम इसको ऐसे इन्वर्टेड करेंगे तो ये 1/25 हो जाएगी, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो m हमारे पास क्या आ गया, -2/3। अब इससे हम एच डैश निकाल सकते हैं, हमें पता है कि m इज इक्वल टू क्या होता है, एच डैश अपोन एच होता है। m हमारे पास क्या आ गया, -2/3 आ गया, ठीक है। अब किसकी इक्वल, एच डैश हमें निकालनी है, h हमारे पास कितनी है, 5। ये उस साइड जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, 5 2 10। तो एच डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, 10/3, -10/3। तो हमारे पास सारा कुछ आ गया। अब मैं आपको इसका डायग्राम बनाकर अच्छे से समझा देती हूँ, फिर आपका सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने सिंपल क्या किया है, जो भी फॉर्मूलाज जिस जगह पे अप्लाई होना था बस उसको सिंपल अप्लाई किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। चलिए इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई कन्वेक्स लेंस है। अब देखिए इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर यहाँ तक की 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, 10 और 10 20। अब जो ऑब्जेक्ट रखा गया वो 25 सेंटीमीटर पे है, तो इसका मतलब वो C1 से बाहर है, ठीक है, इसके आउटसाइड है। अब ये जो हमारे पास इमेज बनेगी ये क्या हो जाएगी, कहाँ पर बनेगी, मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ, उसके बाद हम इसका कंपेयर इससे करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, ये F2 से पास हो जाएगी। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद F2 से पास हो जाती है, और ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है तो उसका कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, वो बिल्कुल सीधे चली जाती है। ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा। अब देखिए
हमारी जो इमेज बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, एफ टू और सी टू के बीच में। अब वी हमारा कितना आया है, 16.66, तो अब यहाँ तक 10 है, ये 20 है, तो 16 कहाँ आएगा, इसके और इसके बीच में आएगा, ये हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए हमारी जो इमेज बन रही है, एम हमारा कितना है, माइनस का आया है। एम मैग्निफिकेशन अगर माइनस में हो तो इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो कैसी है, रियल है, इमेज रियल में बन रही है, रियो फ्लाइट रियल में मिल रही है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए एच डैश, एच डैश हमारे पास क्या है, -3.33। हमारी जो इमेज जो ऑब्जेक्ट हमारे पास था वो 5 सेंटीमीटर का था, हमारी जो इमेज बन रही है वो 3 सेंटीमीटर की बन रही है, तो छोटी बन रही है ना, स्मॉल है। अब देखिए साफ पता चल रहा है हमारी जो इमेज है वो कैसी बन रही है, स्मॉल बन रही है और माइनस में बन रही है, तो इसका मतलब इन्वर्टेड है और हमारी इमेज रियल में ही इन्वर्टेड है, तो सारी एक दूसरे के साथ मैच हो रही है, इसका मतलब हमारे आंसर बिल्कुल सही है। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन क्या है, एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। अब की बार इसने क्या कर दिया, ऑपोजिट दे दिया, हमें फोकल लेंथ दे दिया और इमेज डिस्टेंस दी है इसने, अब की बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दी है, वो हमें निकालनी है। अब जो दे रखा है वो पहले हम लिख लेते हैं, एफ हमारे पास क्या है, -15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों है, क्योंकि कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस की होती है। आगे इसने क्या रखा है कि V हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, V यहाँ पे माइनस आया है, जो इमेज हमारी है वो इमेज डिस्टेंस है वो माइनस की आई है, क्यों आई है मैं उसका आपको रीजन बताती हूँ। हमारे पास कनकेव जो लेंस होता है वो सिर्फ दो ही तरह की सिचुएशंस बनेंगी, उसके अंदर ज़्यादा नहीं बनेंगी, कन्वेक्स के अंदर तो 6 बनती है लेकिन इसमें दो ही बनेंगी। आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख लीजिए उससे कोई फर्क नहीं आएगा। आप ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यहाँ रख लेते हैं, जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे पैरेलल आएगी वो इस तरह से बाहर की तरफ डाइवर्स हो जाएगी कि वो फोकस से पास हो, ठीक है, और जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, उसके अंदर रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी, कन्फर्म है इसी डायरेक्शन में बनेगी, तो इसलिए हमारा वी किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि इस डायरेक्शन की जो डिस्टेंस होती है वो माइनस में आती है। ठीक है, समझ आ गया मैंने यहाँ पे v माइनस का क्यों लिया है। अब हमें u निकालना है, u हम आसानी से निकाल सकते हैं लेंस फॉर्मूला से, देखिए 1/v - 1/u = 1/f, जो हमें गिवन है वो हम रख लेते हैं फॉर्मूला के अंदर, बाकी अपने आप आ जाएगा। 1/v हमारे पास क्या है, -10, u हमें निकालना, हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं। 1/f हमारे पास क्या है, -15, इसको हम उस रिएक्शन में लेके जाएंगे, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जब हम आगे एलसीएम से इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम हमारे पास 30 आएगा, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 1 2, -2 + 1। अब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 3 3 1 3, तो अब यहाँ देखिए 3 में से जब 2 को हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1/30, और जो सिंबल होता है वो हमेशा बड़े का आता है तो इसलिए प्लस का आएगा। अब हमारे पास u कितना आया है, -1/u आया है, अभी आंसर नहीं आया है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी हमारे पास क्या आ गया, -1/u = 1/30, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u हमारे पास क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। अभी माइनस का है तो इसका मतलब हमने ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में रखा है, हम ऑब्जेक्ट को इसी डायरेक्शन में रखते हैं। हमारी जो इमेज देख, अब देखिए इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, 15, और हम u कितना है हमारा, 30 है ना, तो 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30। हमने जो हमारी इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ पर रखा हुआ है, सी के ऊपर, C1 के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया हो। ये हमारे पास कितना आ गया, -30, मतलब इस डायरेक्शन में 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। सबसे पहले तो जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं, एफ हमारे पास क्या है, 15 सेंटीमीटर, ये प्लस का ही आ जाएगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ प्लस में होती है। आगे इसने क्या रखा है कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर रखा गया है, यू हमेशा किसकी होती है, माइनस की, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इस डायरेक्शन में रखा जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला की हेल्प से v निकाल लेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। अब देखिए 1/v हमें निकालना ही है, एज इट इज छोड़ दीजिए इसको, प्लस 1/u, u हमारे पास कितना है, -10, f हमारे पास कितना है, 15, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, उस डायरेक्शन में जाने के बाद ये किसका हो जाएगा, अब ये देखिए प्लस और माइनस माइनस हुआ है तो ये फिर से चेंज हो जाएगा, किसका बन जाएगा, प्लस का, 1/10।
अब जब इसका एलसीएम हम आगे लेगी तो कितना आएगा, 30, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, 2, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, 3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। 3 और 2 कितना होता है, 5, 5 बाई 30। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, 1 बाई वी की, 1 बाई वी इज इक्वल टू 5 बाई 30। जब हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये 1 बाई 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वी हमारे पास क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। वी हमारे पास क्या आया है, 6 सेंटीमीटर। अब मैं आपको इसकी इमेज बनाकर भी दिखा देती हूँ, उससे हमें इसके पोजिशन के बारे में पता चल जाएगा। ये हमारे पास मान लीजिए कोई कन्वेक्स मिरर है, इसने क्या कह रखा है कि यू हमारे पास -10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब यहाँ पोल से जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। अब इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी वो इस तरीके से बाहर की तरफ डाइवर्ज हो जाएगी कि वो फोकस से होकर पास होती हुई हमें फील होगी, और जो रे ऑफ लाइट यहां जितने डिग्री के एंगल पे आ रही है उतने ही डिग्री के एंगल पे इस तरीके से रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसका। अब इसको जब हम पीछे, अब ये तो देखिए दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इसका मतलब ये पीछे कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, यहां पे हमारा क्या बन जाएगा, हमारी इमेज बन जाएगी। अब हम इसका कंपेयर इससे करते हैं, देखिए हमारी जो वी आई है वो किसके आई है, प्लस का 6। अब इस डायरेक्शन में क्या होता है, प्लस ही तो होता है, तो अब यहाँ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब भी बिल्कुल सही है, अब 0 से लेकर 15 तक के बीच में ही तो आएगा 6 सेंटीमीटर, ये हमारा सही है। और हमारी इमेज कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है, स्मॉल बनी है और वर्चुअल बनी है, ठीक है। आपको, आप अगर इससे डायग्राम से नहीं बता पाते हो तो आप एम निकाल कर भी बता सकते हो कि हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल है या किस तरीके से है, छोटी है या बड़ी है वो भी बता सकते हो। अगर m आपका 0 से लेकर 1 के बीच आए तो इमेज कैसी होती है, स्मॉल बनती है। अगर 1 आ जाए तो इमेज इक्वल बनती है, अगर 1 से ग्रेटर देन आ जाए तो लार्ज बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। अब देखिए इसके अंदर क्या है, अगर हमारा मैग्निफिकेशन 1 आता है तो हमारी जो इमेज बनी है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के इक्वल बनी है। क्यों बनी है, प्लस और माइनस में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको सारा ही समझाऊंगी डिटेल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान से देखना है सारा। देखिए हमारे पास सिंपली क्या है, कोई इमेज, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए वो 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। उसकी इमेज भी अगर 2 सेंटीमीटर ही बन जाती है तो हमारा m क्या आ जाएगा, m हमें पता है क्या होता है, जो हमारे पास इमेज की हाइट है वो और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट थी वो, उन दोनों के रेशो को ही हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो h डैश अपॉन h हो जाएगा, जब हम इन दोनों को करेंगे रेशो निकालेंगे तो 2/2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर हमारा मैग्निफिकेशन 1 आता है तो उसका मतलब क्या है कि इमेज के डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दोनों ही एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल इक्वल है। अब मैं आपको इसका प्लस माइनस का कनेक्शन भी बता देती हूँ। देखिए हमारी जो इमेज होती है, ऑब्जेक्ट होता है, वो हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में ही रखा जाता है, इसका मतलब वो हमेशा किसका होगा, प्लस का होगा। और हमारी जो इमेज है अगर वो रियल बनेगी तो वो नीचे की तरफ बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। आपने जितने भी डायग्राम देखे हैं इतना तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि हमारी जो इमेज है वो रियल बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी, अगर वो वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट बनेगी, ठीक है। अब इन्वर्टेड बनेगी तो इसका मतलब नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी वो, तो किसकी आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। साइन कन्वेंशन में अच्छे से समझा चुकी हूँ आपको। अब देखिए जब हम इसका रेशो निकालेंगे माइनस और प्लस का तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस। इसका मतलब माइनस आ रहा है तो हमारी जो इमेज है वो कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है और रियल है, ठीक है। इसका ओपोजिट जब हम कर देंगे, जब हमारी इमेज ऊपर की तरफ बन रही है तो वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और जब हम प्लस और प्लस का रेशियो निकालेंगे तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, प्लस का। तो प्लस हमारा कब आएगा, जब हमारी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, ठीक है ना। तो अगर हमारा मैग्निफिकेशन किसका है, प्लस का है, तो हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। अगर माइनस का है तो इसका मतलब रियल और इन्वर्टेड है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज। अब इसने यहाँ पे क्या कह रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है, इसने फोकल लेंथ नहीं दी है तो हम खुद ही देख लेंगे। अब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, हाफ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो एफ हमारे पास क्या हो गया, 15। अब आगे देखिए,
इसका प्लस माइनस भी देख लेते हैं हम। इसने कह रखा है कि कन्वेक्स मिरर है वो, तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ किसकी होती है? प्लस की होती है। नेक्स्ट इसने क्या कह रखा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर रखा गया है। अब ऑब्जेक्ट हमेशा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हमारे पास होती है वो किसकी होती है? माइनस की होती है। अब आगे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता है उसकी हेल्प से हम वी निकाल लेंगे। पहले मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v भी हमें निकालना है, ये प्लस 1/u, यू हमारे पास कितना हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू 1/f। एफ हमारा कितना है, +15। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। उस डायरेक्शन में जाने के बाद ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस का है, जब उस डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/20। अब ये उस साइड चला गया है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 60 आ जाएगा। 16 को 15 से डिवाइड करेंगे, 60 को 50 से डिवाइड करने के बाद हमें 4 मिलेगा। 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 60 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 7/60। अब 1/v हमारे पास क्या है, 7/60। क्लोज मल्टीप्लाई करने के बाद वी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/7। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी। हम लिख लेते हैं वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 60/7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास v आ गया, u आ गया, तो उसकी हेल्प से mm निकाल लेंगे। हमारे पास क्या होता है, -v/u, रख दीजिए फॉर्मूला के अंदर। माइनस वी हमारे पास कितना होता है, 60/7, ये बाहर हो जाएगा अलग से। u हमारे पास कितना है, -20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब u ऊपर जाएगा तो 1/20 हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा, 3/7। एम हमारे पास क्या आया है, 3/7 आया, ठीक है। अब इस एम की हेल्प से हम आगे क्या करेंगे, H और H डैश निकाल लेंगे। H हमारे पास है, हम H डैश निकाल लेंगे। अब हमें पता है कि M इज इक्वल टू क्या होता है, H डैश अपॉन H। M हमारे पास कितना आया है, 3/7। H डैश हमें निकालना है, H हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर, जो हमें गिवन है। ये इस साइड जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 5 3 15, 15/7, ये हमारा क्या आ गया, H डैश आ गया, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास कोई कन्वेक्स मिरर है, इस कन्वेक्स मिरर के आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितनी डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, यू हमारे पास कितना है, 20। यहाँ पे मान लीजिए कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जब हम इसका इस तरीके से क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो ये बाहर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जितने डिग्री के एंगल पे आएगा उतने ही डिग्री के एंगल पे चला जाएगा। तो ये दोनों रे ऑफ लाइट यहाँ मिलेंगी, यहाँ हमारी इमेज बनेगी। अब देखिए हमारा जो m है वो 3/7 आया है, जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट्स के अंदर आएगा, मतलब 0 और 1 के बीच आएगा, तो इसलिए हमारी इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल बनेगी। स्मॉल बन रही है, साफ दिखाई दे रहा है। आगे क्या रखा है, देखिए f कितनी है, 15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हमारी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, 8.57 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब 8 कहाँ आएगा, 0 के और 15 के बीच में आएगा, तो इसका मतलब हमारा ये भी बिल्कुल सही है। अब हाइट देखिए, हमारी जो रियल ऑब्जेक्ट था हमारा, उसकी हाइट थी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो जो हमारी इमेज बनी है उसकी हाइट कितनी है, 2 पॉइंट समथिंग। तो अब काफ़ी साइज में क्या है, ये स्मॉल है। यहाँ पे बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा लार्जर है और जो हमारी इमेज है वो स्मॉल है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर एट वास्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड शो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब देखिए एच हमें कितने दे रखी है, इसने 5 सेंटीमीटर। अब एच ऊपर की तरफ होती है तो ये प्लस की हो जाएगी। अब इसने कह रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 27 सेंटीमीटर पे है, तो ये क्या हो जाएगा, -27 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमेशा यू कह रखी किसकी होती है, माइनस की होती है। आगे उसने कह रखा है कि जो फोकल लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है। अब ये प्लस और माइनस देखते हैं। उसने कह रखा है कि कनकेव मिरर है, कनकेव चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा किसकी होती है, माइनस की होती है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अभी मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, हम क्या निकाल लेंगे, वी निकाल लेंगे। मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी की जगह वी को ही छोड़ देंगे एज इट इज, क्योंकि नहीं है हमारे पास। यू हमारे पास कितना है, 1/-27। एफ हमारे पास कितना है, -18। यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि कनकेव का है। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। उस डायरेक्शन में जाने के बाद ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 1/27 जब हम इसका आगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा 54 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, -3 हो जाएगा। 54 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/54। 1/v हमारे पास क्या रहा है, -1/54। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू -54। ठीक है, हमने सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखी, सिंपल प्लस माइनस किया, एलसीएम लिया, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, अब हम v और u की हेल्प से m निकाल लेंगे। देखिए m हमारे पास क्या होता है, -v/u। अब माइनस एज इट इज रख लीजिए, v हमारे पास -54 है, ये माइनस अलग आएगा, ये अलग आएगा। u हमारे पास कितना है, -27। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये -2। तो m हमारे पास मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आया है, -2 आया है। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, एच डैश निकाल लेंगे। एम हमारे पास क्या होता है, ऑल्सो एच डैश अपॉन एच। एम हमारे पास -2 आ गया है, एच डैश हमें निकालनी है, एच हमारे पास 5 है, ये उस डायरेक्शन में जाने के बाद किसके हो जाएगी, मल्टीप्लाई की, तो 5 × 2 से कितना हो जाएगा, 10। -10 एच डैश हमारे पास क्या आ गया, -10 cm। ये हमारे पास मान लीजिए कोई कनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ 18 cm है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 18 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 18, ये कितना हो जाएगा, 36। अब इसने कह रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 27 cm के डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब वो 18 और 36 के बीच में है, यहाँ पे कहीं पे हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो रखा गया है। जब हम आगे इस तरह से इसका डायग्राम बनाएंगे तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी वो फोकस से होकर पास हो जाएगी, और जो रे ऑफ लाइट फोकस से होकर पास होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, सी से बाहर बनेगी। अब देखिए वी कितना है, -54। -54 क्या होता है, 36 से आगे ही तो होता है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। और हमारी जो इमेज बन रही है, देखिए एम कितना आया है, 2 आया है, 2 आया, तो इसका मतलब वो 1 से ज़्यादा है, तो हमारी इमेज लार्ज बनेगी। आपको देख कर साफ पता चल रहा है कि हमारी इमेज बड़ी है। अब देखिए आगे, हमारा जो एम मैग्निफिकेशन है वो माइनस में है, माइनस का कब होता है, जब हमारी इमेज रियल होती है, रे ऑफ लाइट रियल में मिल रही है, ये वर्चुअल नहीं है। क्लियर हो गए सारे पॉइंट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। अब देखिए हमें इसने क्या कह रखा है कि पावर है वो -2 डायोप्टर है, हमें पता है कि पी इज इक्वल टू 1/f होता है, तो हम पावर की जगह क्या रख देंगे, -2 = 1/f। f इस साइड आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगा, और ये -2 साइड किस में चला जाएगा, डिवाइड में। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, 1/-2। ठीक है, जब हम 1/2 को सोल्व करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, -0.5। तो f हमारे पास, फोकल लेंथ हमारे पास क्या आ गई, -0.5। ये किसके अंदर आई है, मीटर के अंदर। जब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/10, जब हम इसका डेसिमल हटाएंगे। अभी उससे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते टाइम हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 5/10 जा, तो 50 cm हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -50 cm। अब ये फोकल लेंथ माइनस की किस में होती है, कनकेव। ठीक है, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ किस में होती है, माइनस में, तो वो किस तरह का है, कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 50 cm है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर हैज प्री सेक्रीफाइड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्री सेक्रीफाइड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। अब देखिए इसने क्या कह रखा है कि जो पावर हमारे पास है वो +1.5 डायोप्टर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी इज इक्वल टू 1/5, हम इस फॉर्मूला के अंदर इसको रख देंगे। पी हमारे पास क्या है, 1.5 इज इक्वल टू 1/f। एफ इस साइड आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये उस साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल हटा लेंगे हम इसका, तो ये 15/10 आ जाएगा, जब हम इसका इन्वर्स करेंगे तो 10/15 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको इस तरीके से कैंसिल करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा, इसको आगे सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा 0.67 मीटर। जब हम 0.67 मीटर को आगे उसमें कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो हम क्या कर देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे हम इसका डेसिमल हटा देंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 67 सेंटीमीटर हमारा
आंसर हो जाएगा। और ये प्लस में है तो इसका मतलब ये किस तरह का है, ये किस इसकी टाइप कैसी है, कन्वेक्स। और कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्सिंग होता है, वो रे ऑफ लाइट को कन्वर्स कर देता है, एक जगह पे फोकस कर देता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, द लेंस इज कन्वर्सिंग एंड इट्स फोकल लेंथ इज 67 सेंटीमीटर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।